पैनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स आलमी स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने को तैयार। आईसीआईजे आज रात 9:30 बजे तफसीलात जारी करेगा। प्रोजेक्ट पर 150 मीडिया हाउसेस के 600 सहाफ़ियों ने काम किया। आईसीआईजे के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में 1,19,00,000 लीक फाइलों की तहकीकात की गई। टैक्स चोरी, बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल तहलका मचाएगा, आईसीआईजे की जानिब से ये कहा गया है। पैनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स आलमी स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने को तैयार। आईसीआईजे आज रात 9:30 बजे तफसीलात जारी करेगा। प्रोजेक्ट पर 150 मीडिया हाउसेस के 600 सहाफ़ियों ने काम किया। आईसीआईजे के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर की अहम शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में 1,19,00,000 लीक फाइलों की तहकीकात की गई। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काजी साहब, एक नया पेंडोरा खुलने वाला है, पेंडोरा पेपर्स आने वाले हैं पैनामा के बाद, क्या समझते हैं, किन किन बड़ी शख्सियात को झटका लग सकता है? जी मौजूद, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कल से ये जब खबर आई है और आज 9:30 बजे मेरे ख्याल में इसकी डिटेल सामने आएंगी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि पहले एक पनामा पेपर्स आए थे जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी सियासत, पाकिस्तान में लोगों की परसेप्शन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस, माफिया, ये सारी चीजें हमने देखी आफ्टर पनामा पेपर्स और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और अब ये जो पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम जो इस वक्त की हुकूमत के अंदर हैं उनके भी नाम हैं, तो इसका एंड रिजल्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या हो रहा है? अनडाउटेडली एक एक्साइटिंग तो है सबके लिए, तमाम जर्नलिस्ट के लिए बिल्कुल है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बिल्कुल है, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑन अर्थ होने जा रही हैं और पता चलेगा कि जी कहां पर क्या है, कौन कितना सादिक है, कौन कितना अमीन है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा ये आइंदा आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अनडाउटेडली ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के जो अपने आप को शुरफा की लिस्ट के अंदर रखते हैं वो मेरे ख्याल में और कुछ देर के अंदर सामने आएंगे और पता चलेगा कि कहां पर से क्या कुछ हुआ और किधर की चीजें किधर गई। सो ये आइंदा आने वाले कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे।